हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मंत्रिमंडल बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। सत्र की शुरुआत दोपहर बाद 2 बजे से होगी। सत्र की अवधि 17 फरवरी को ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय की जाएगी। हरियाणा के उद्योगों में युवाओं को 75% नौकरियां देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा से आगे नहीं बढ़ पाया। बैठक में इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल समूह ने चर्चा की, सुझाव भी दिए, मगर इस प्रस्ताव को फिलहाल पारित नहीं किया गया। इस प्रस्ताव पर सरकार अभी कानूनी पहलुओं को खंगालेगी, उसके बाद ही फैसला लेगी। हरियाणा के राशन डिपो पर लोगों को सस्ता प्याज बेचने की योजना खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि इसके लिए नेफेड ने प्रदेश में प्याज की जो पहली खेप भेजी गई, वो सड़ी हुई है। प्याज इस कदर खराब हो चुके हैं कि उन्हें राशन डिपो में लोगों को बेचना मुमकिन नहीं है, लिहाजा हरियाणा सरकार ने नेफेड से इस सड़े प्याजों को वापस उठाने के लिए कहा है। ऑनलाइन लॉटरियों की आड़ में अनाधिकृत लॉटरियों की होने वाली बिक्री रोकने के लिए पंजाब कैबिनेट ने राज्य में हर तरह की ऑनलाइन लॉटरी स्कीमों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। लॉटरी एक्ट 1998 की धारा ऑनलाइन लॉटरी स्कीम पर पाबंदी लगाने से न सिर्फ राज्य में ऑनलाइन लॉटरी की आड़ में अनाधिकृत लॉटरियों के व्यापार पर रोक लगेगी, बल्कि सरकार के टैक्स और गैर टैक्स राजस्व में भी वृद्धि होगी। जालंधर में जल्द बसों के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग से परमिट की जरूरत नहीं होगी। ये बसें सिर्फ लाइसेंस लेकर ही चलाई जा सकेंगी। इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 7 जनवरी को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। 1 महीने का वक्त दिया गया है। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पंजाब सरकार को भी भेजा गया है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर अमरपाल सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग के पास ड्राफ्ट आ चुका है।